गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास सेकेंड. सो टेक आउट योर बुक. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, विच मीन्स कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, मतलब उसके उपयोग क्या है. मेनली उपयोग की बात यहाँ की जाए, किस किस फील्ड में उसका उपयोग है. ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट प्लेसेस पढ़ा था, जिसमें हमने एट होम, इन शॉप्स, इन ऑफिस, इन स्कूल, इतने पॉइंट्स को हमने कवर किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो टेक आउट योर बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 17. But before starting today's class, we are going to revise our previous portion of this chapter. So let's we recall firstly these points. तो मैंने आपको क्या बताया था, applications of a computer. देखिए, applications means क्या होता है, uses, और विशेषताएं मतलब features होता है. Features को हम विशेषताएं में कहते हैं. ठीक है, तो application इस chapter में mainly computer के uses के बारे में आपको बताया गया था. और आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है. ठीक है, जो क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे टेलीविजन हुआ, एयर कंडीशनर, एटीएम है, वॉशिंग मशीन है, ये एक मशीन के ही फॉर्म है. ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मशीन है जो बहुत ही स्मार्टली काम करता है. ठीक है, मशीन क्या कहते हैं, बहुत स्मार्टली काम करते हैं, उनके अंदर कंप्यूटर होता है, और जिसके वजह से हमारी लाइफ क्या हो जाती है, इजी हो जाती है. अब यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस में हमने देखा था कि कंप्यूटर का यूज है. तो सबसे पहले हमने देखा था एट होम, मींस घर पे. तो घर पे क्या यूज था, गेम खेलने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसके लिए, गाना सुनने के लिए और मूवीज देखने के लिए. ठीक है, फिर आपने देखा था शॉप्स और रेस्टोरेंट में क्या होता है, बिल्स बनाने के लिए होता है, साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड भी रहता है कि कितने आइटम खरीदे गए और कितने बेचे गए. ठीक है, ऑफिसेज में क्या यूज होता है, ऑफिसेज में क्या यूज होता है, टाइपिंग की जाती है कंप्यूटर पे, उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट पेजेस पे निकलते हैं कंप्यूटर के थ्रू. ठीक है, इन स्कूल्स, स्कूल्स में क्या है, टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी हेल्प होता है, फिर फी रिकॉर्ड भी कंप्यूटर पे ही मेंटेन होता है, साथ ही साथ लाइब्रेरी की जितनी भी बुकें हैं वो भी कंप्यूटर पे मेंटेन, उसका भी रिकॉर्ड किया जाता है कि किस डेट में कौन कौन सी बुक किस बच्चे ने ली है और उसका रिटर्निंग डेट क्या है, उस रिटर्निंग डेट पे बच्चे दिए हैं नहीं दिए, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं. और लाइब्रेरी में किस सब्जेक्ट में कि कितनी बुकें हैं, लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुकें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल दी रहती हैं. साथ ही साथ बच्चों का कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है कि कौन सा बच्चा है, किसका क्या नाम है, उसके गार्जियंस का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ रहता है, ये सारी डिटेल्स होती हैं कंप्यूटर में फीड स्कूल के. ठीक है, तो इतना आपने देखा था. अब आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, मतलब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का क्या यूज है. तो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या यूज है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट फॉर, कंप्यूटर जो है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे उपयोग किया जाता है, किससे किया जाता है, फर्स्ट है रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स, टिकट्स का रिजर्वेशन कराने के लिए, और इनकेस अगर आपको नहीं जाना है तो टिकट्स को कैंसिल कराने के लिए भी कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है. मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही टिकट का रिजर्वेशन होता है और टिकट कैंसिल भी होता है. ठीक है, सेकेंड है मेंटेनिंग ट्रेन एंड फ्लाइट टाइमिंग्स, मीन्स ट्रेन जो होती है और फ्लाइट जो होती है वो कितने बजे किस स्टेशन पे पहुंचेगी,
किस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, ये सारी डिटेलिंग कंप्यूटर में होती है और वही अनाउंसमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या यूज है, टिकट्स बुक करना, टिकट्स को कैंसिल करना कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, किस ट्रैक पे है, कितने बजे वो आने वाली है, ये सारे रिकॉर्ड्स उस पर मेंटेन होते हैं। और ये जरूरी भी होता है ताकि कोई दो ट्रेन एक ही टाइम पे एक ही पटरी पे ना पहुंचे। ठीक, तो ये था एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट। अब 6 पॉइंट क्या है, इन हॉस्पिटल। 6 पॉइंट क्या है, इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या यूज होता है देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर, कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज होता है, किस लिए यूज होता है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। किस लिए, जो मरीज होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो मरीज होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। अब रिकॉर्ड्स में क्या होता है, उनका उनका नाम, उनका एज, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, वो किस बीमारी से ग्रसित हैं, मतलब उनको कौन सी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है, उनकी दवाइयाँ कौन सी लग रही हैं, उनका टोटल बिल कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेलिंग होती हैं। ठीक है, सेकेंड, हॉस्पिटल में किसका यूज़ होता है, डिटेक्टिंग डिजीजेस। कंप्यूटर के हेल्प से ही हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। जो एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हेल्प से ही की जाती है, एक मशीन के थ्रू की जाती है, तो वो एक कंप्यूटर का ही फॉर्म होता है। सेकेंड, थर्ड है प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं दिखाने, तो आपको एक स्लिप मिलती है, पेज मिलता है जिस पे आपकी रिपोर्ट्स पूरी, मान लीजिए शुगर टेस्ट कराने गए तो उसका रिपोर्ट पूरा डिटेलिंग किस पे आता है, एक पेज ही पे तो आता है, तो वो आपका रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट होता है, और वो किससे निकाला जा रहा है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही निकलता है। सारी फीलिंग की जाती है टेस्टिंग के बाद और फिर उसका प्रिंट आउट निकल के आपको दिया जाता है। ठीक है, लास्ट है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। लास्ट क्या है, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस मींस जो आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में जो लोग रहते हैं, या मान लीजिए नॉर्मल भी, तो क्या होता है, ऑपरेशन जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है उसमें भी कंप्यूटर का हेल्प लिया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है। तो वो क्या बताया, शुरुआत में ही बताया कि मशीन ही, हर मशीन के अंदर एक कंप्यूटर फीड होता है, तो इस तरीके से कंप्यूटर का यूज आपका हॉस्पिटल में होता है। ठीक, सेवेंथ है हमारा इन बैंक्स। सेवन क्या है, इन बैंक्स। बैंक्स में क्या यूज है, कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंक्स फॉर, कंप्यूटर बैंक में यूज होता है, किस लिए होता है, मेंटेनिंग द कस्टमर डिटेल्स। किस लिए होता है, कस्टमर डिटेल्स को मेंटेन किया जाता है, मतलब मान लीजिए हम वहाँ के बैंक के ग्राहक हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अकाउंट अगर खुलवाई हूँ तो मेरे सारे डिटेल्स वहाँ पे होंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे फादर मदर का क्या नाम है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी, मेरा आधार कार्ड नंबर। ठीक है, कोई ना कोई आईडी कार्ड वहाँ पे लिया जाता है, तो ये सारी डिटेलिंग हमारी वहाँ होती है। मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, सेविंग अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, बैंकिंग है, जो भी है, वो सारी डिटेलिंग वहाँ पे होती है। सेकेंड पॉइंट है विड्रॉइंग मनी यूजिंग एटीएम। अब बैंक में हम देखिए, पहले क्या होता था, फॉर्म फिल करते थे, लाइन में लगते थे, तब पैसे निकलते थे। अभी भी होता है, बट एक उसका ऑप्शन भी हमारे पास है, एटीएम मशीन, जहाँ पे हमको बस जाके कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, उसको हम एटीएम मशीन पे लगाते हैं और फिर उस पर पासवर्ड डालते हैं, तो जितना अमाउंट डालते हैं तो उतना पैसा हमें उस मशीन के द्वारा मिल जाता है। इसके वजह से क्या होता है,
कि हमारा समय भी बचता है और जल्दी हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये किससे हो रहा है? ये मशीन के द्वारा ही हो रहा है। मशीन के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर फीड होता है, उस मशीन में हमारी पूरी डिटेलिंग होती है, तभी वो पैसा हमें उसमें से मिल पाता है। सपोज हम अमाउंट डाल रहे हैं, मान लीजिए मेरे अमाउंट में 5000 है और हम 10000 का अमाउंट डालते हैं, तो हमारे अकाउंट से वो पैसे नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि हमारे अकाउंट में से 5000 है और उसमें से 10000 हमने डाला है। तो ये डिटेलिंग जब उस कंप्यूटर के पास है तभी तो वो हमें नहीं दे रहा है। हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो हमें पैसा दे देता, उसका उस मशीन का क्या जा रहा है, ठीक। लेकिन सारी डिटेलिंग उससे फीड होती है, इसी वजह से कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिकीपीडिया। क्लिकीपीडिया में देखिए क्या है, एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन ही है ना, जिस पे आप बस क्लिक करते जाते हैं और चीजें होती जाती हैं, फिर आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमने 7 पॉइंट पढ़ा। 8 क्या है? इन डिजाइनिंग। 8 क्या है? इन डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग्स में क्या यूज है? कंप्यूटर आर यूज फॉर। कंप्यूटर यूज किया जाता है किस लिए? देखिए फर्स्ट पॉइंट है डिजाइनिंग क्लोथ्स, बिल्डिंग्स एंड कार्स। क्लोथ्स को डिजाइन करने के लिए, कपड़े बनाने के, कपड़े का जो डिजाइन होता है उसको बनाया जाता है कंप्यूटर के हेल्प से। बिल्डिंग का जो एक पिक्चर बनाने के लिए हेल्प कर होता है कंप्यूटर का यूज होता है। कार का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे कार का ही तो एक मॉडल बनाया जा रहा है, तो किसी भी चीज का मॉडल हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। डिजाइनिंग एरोप्लेन्स एंड अदर मशीन्स। इस सेकेंड क्या है? एरोप्लेन्स को भी डिजाइन करते हैं और भी कई सारी मशीन्स जो होती हैं उनका डिजाइन भी हम कंप्यूटर पे ही बनाते हैं। मतलब उसके सारे पार्ट्स को बनाते हैं, फिर कौन सा पार्ट कैसे लगाना है पहले वहां पे तैयारी करते हैं, तब हम उसको हैंडमेड करते हैं, मतलब हाथों से बनाना शुरू करते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप प्लानिंग करते हो, तब वो काम करते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल होते भी हो। तब ये लोग पहले क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं, फिर प्रैक्टिकली उस चीज को बनाते हैं, ठीक है। 9th है इन पब्लिशिंग। इन पब्लिशिंग, तो पब्लिशिंग में क्या यूज है? कंप्यूटर्स आर यूज इन पब्लिशिंग फॉर। कंप्यूटर पब्लिशिंग में किस तरह से यूज है? डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मींस जो बुक्स हैं उनको प्रिंट करने में, उनका डिजाइन तैयार करने में, न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग के लिए, मैगजीन के प्रिंटिंग के लिए हमें कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंप्यूटर का बुक है ना, तो इसमें अपने आप ये लाइन और ये फिगर्स तो नहीं आए हैं, इसको डिजाइन किया गया है, इसका फॉर्मेट तैयार किया गया, और किस पे तैयार किया है? कंप्यूटर पे ही, कि हमें कहाँ पे कौन सा पॉइंट डालना है और उसके साथ हमें किस साइड में पिक्चर कौन सी डालनी है, ये सारी सेटिंग किससे हुई है? कंप्यूटर से हुई है, तब जाके आप ये बुक पढ़ रहे हो। कोई भी बुक, चाहे वो मैगजीन हो, बुक हो या न्यूज़पेपर हो, वो सब पहले डिजाइन की जाती है और उसको प्लानिंग की जाती है, हमको किस तरीके से कोई चीज लिखनी है और कहाँ पे कौन सी पिक्चर हमको पेस्ट करनी है, ये सारी चीजें, और वो सब किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट है इन स्पेस रिसर्च एंड साइंस लैब। इन स्पेस रिसर्च एंड साइंस लैब्स, तो इसमें क्या है? कंप्यूटर आर यूज हियर फॉर। अब स्पेस रिसर्च में जो है और साइंस लैब में क्या यूज होता है? तो फर्स्ट क्या है? लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। जो स्पेस में सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जिसके वजह से हमारा टीवी पे नेटवर्क आता है, मोबाइल्स पे नेटवर्क आते हैं, तो ये सब नेटवर्किंग जो हमारा पूरा साइट है वो उसी के द्वारा चलता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से स्पेस में भेजना है, वहाँ पे कैसे लॉन्च करना, वहाँ पे छोड़ना कैसे है, उसका मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसे कैसे कनेक्शन बनाए रखना, ये सारी चीज़ें
कंट्रोलिंग और लॉन्चिंग किसके थ्रू होती है? कंप्यूटर के थ्रू होती है। परमानेंट यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरकास्टिंग वेदर। जो वेदर फॉरकास्टिंग होता है, जैसे पहले ही आ जाता है पेपर में कि आज बारिश होने की संभावना है, या आज का कल का टेम्परेचर आज से इतना डिग्री अधिक होगा या कम होगा, या 5 दिन पहले तक की आगे तक की फॉरकास्टिंग मिल जाती है। वो कैसे मिलती है? वो जो सैटेलाइट वहाँ छोड़े जाते हैं और ये जो कंप्यूटर पे वो कंट्रोलिंग लॉन्चिंग करते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के टेम्परेचर को देखते हुए ही वो वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो और पता चलता है हमें कि मतलब अभी आगे का मौसम कैसा होना है। अगर कुछ गड़बड़ होना रहता है तो उसके लिए भी हमें रेड अलर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी टाइम में टोंगटो करके जो आंधी आ रही है उसके लिए अलर्ट किया गया, यूपी में भी अलर्ट किया गया था 2 दिन पहले कि मतलब यहाँ पे संभावनाएं हैं आंधी आने की, कई जगह आने की संभावनाएं हैं। और आपने देखा भी था कि बारिश 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा हुई भी थी, ठीक है। तो ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर के हेल्प से ही होता है। स्पेस रिसर्च और साइंस में इस पे वर्क किया जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट है इन पुलिस स्टेशन। क्या है इन पुलिस स्टेशन? तो पुलिस स्टेशन में क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज इन पुलिस स्टेशन फॉर। कंप्यूटर पुलिस स्टेशन में किस लिए यूज किया जाता है? ट्रैकिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड ड्राइंग देयर स्केचेस। मींस क्रिमिनल्स जो वहाँ जो चोर होते हैं या गलत काम करने वाले जो होते हैं कहीं पे भी, उनके रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया जाता है, उनको पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए किस कोई कहीं पे चोरी कर रहा है या किसी को मार के चला गया, आप वहाँ पे हो तो उसको आपने देखा है, तो पुलिस आपसे पूछती है, उसका हुलिया पूछती है कि कैसा वो दिखता था। तो जब आप हुलिया उसको बताते चलते कि लंबा चेहरा था, गोल चेहरा था, नाक लंबी थी, मुंह इस तरीके से थे, आईज इस तरीके से, तब जब आप बताने लगते हो तो उसकी स्केचिंग वहाँ पे एक स्केचर बनाने लगता है कंप्यूटर पे, और उससे एक कंप्लीट फेस बन के तैयार हो जाता है, जिससे वो लोग क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में उन्हें आसानी मिलती है, उन्हें पकड़ने में आसानी मिलती है। तो क्या होगा? ट्रैकिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड ड्राइंग देयर स्केचेस, ठीक। लास्ट है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लेंट। उसके साथ साथ किसी भी एरिया में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका कंप्लेन, हर दिन पुलिस स्टेशन में कई कंप्लेन आते हैं तो कंप्लेन का भी वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो उस रिकॉर्ड को कहाँ रखते हैं? कंप्यूटर में ही रखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड रखना जरूरी, कब किस फाइल की जरूरत कब पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और दूसरी चीज, जब रिकॉर्ड रहेगा तभी हम उस केस के बारे में समझेंगे, पुलिस वाले समझते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूजेस था। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, कंप्यूटर क्वेश्चन क्या दिया है, ऑलवेज मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द कंप्यूटर रूम। यहाँ पे एक आपको सुझाव दिया गया है जो आपको फॉलो करना चाहिए कंप्यूटर रूम में। वहाँ पे हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से सभ्य तरीके से कंप्यूटर रूम में रहना चाहिए, कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें आपने कंप्यूटर के यूजेस पढ़े, जिसमें आपने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। एक हर मशीन जो है वो एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, वो बहुत आसानी से काम करता है, इससे हमारी लाइफ इजी हो जाती है। और फिर आपने देखा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एट होम, इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन ऑफिसेस, इन स्कूल्स, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, इन हॉस्पिटल्स, इन बैंक्स, इन डिजाइनिंग, इन पब्लिशिंग, इन स्पेस रिसर्च एंड साइंस लैब्स, इन पुलिस स्टेशन। मीन्स आप यहाँ देख रहे हो कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। देखिए पहले हमारे पास मशीनों की कमी थी,
तो हर चीज हमें हाथ से अपने दिमाग से या कॉपी बुक पे करना पड़ता था, बट अभी मशीन होने के वजह से, कंप्यूटर होने से हर एक काम इजी हो गया है। चाहे वो आपका कपड़ा धुलने की बात हो, वॉशिंग मशीन से अभी किया जाता है, पैसे निकालने हुए, एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन है, ठंडी हवा के लिए एयर कंडीशनर है, उसी तरीके से हर एक फील्ड में कंप्यूटर के वजह से चीजें जल्दी हो रही हैं और कम समय भी लग रहा है, भीड़ भी नहीं हो रही है और चीजें एकदम एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से, बिना किसी गलती के होती हैं। ठीक है, हाँ गलती होती है, लेकिन कब होती है, जब कंप्यूटर यूज करने वाले से गलती हो, मतलब वो गलत फीडिंग करे तब गलती है, बट मशीन की ओर से कोई गलती नहीं होती है। तो कुल मिला जुला की ये बात हमें समझ में आ रही है कि कंप्यूटर का हर एक फील्ड में यूज है और कंप्यूटर हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ही इजी बना दी है। ठीक है, कंप्यूटर के वजह से हमारी लाइफ इजी हो गई है, कोई भी काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, चाहे वो टिकट बुकिंग हुई, आप घर बैठे बैठे या किसी शॉप पे जाके आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करा सकते हो, कैंसिल करा सकते हो, पिक्चर्स की, मूवीज की टिकट्स भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम आपका कंप्यूटर के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, सो ये चैप्टर आपका आज फिनिश होता है और इसका जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।